देखो 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 देखो, आंखें चमक रही है। गुड इवनिंग दोस्तों, तो फिर से हम आ चुके हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क के पास में, और इधर साइड बह रही है नदी, शायद आपको आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी। और यहाँ पे हमने अपने टेंट पिच कर लिया है। प्रॉब्लम ये कि आज मैं सोलो हूँ, तो फिलहाल हम अपना टेंट पिच कर लिया है। मौसम भी ख़राब है, हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, तो रेन कैंपिंग भी आज होने वाली है। तो देखते हैं रात भर हमको यहाँ पर सर्वाइव करना है, कैसे सर्वाइव करते हैं। गाइस बारिश शुरू हो गई है, और बारिश की वजह से मुझे ये सब थोकना पड़ रहा है। और आप भी कभी बारिश में कैंपिंग करते हो ना, तो आप ये मत सोचना कि डिकैथलॉन का है तो पूरा वाटरप्रूफ है, तो उसके लिए आपको ऐसे थोकना ज़रूरी है, अदरवाइज ये वाटरप्रूफ नहीं रहता। तो अब पूरा टेंट मैंने कर दिया है वाटरप्रूफ कम्प्लीटली। तो भाई ऐसे हो जाती है रेन कैंपिंग में, आपको ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज पूरी रात रेन कैंपिंग होने वाली है। तो गाइज आज तो भाई प्याज ने धुएं निकाल लिए, हालत ख़राब हो गई। अब फटाफट से करते हैं खाना बनाने की तैयारी। तो गाइज आज मैं बना रहा हूँ चिकन, और अकेले हूँ मैं, लेकिन जितना बचेगा वापस घर को ले जाऊँगा, भाई बहन सबको खिलाऊँगा। तो फिलहाल चिकन तो बन रहा है, लेकिन मेरी डर और भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, कहीं चिकन के चक्कर में कोई और जानवर ना आ जाए इधर चिकन बनाने। तो फिलहाल फटाफट से बना लेता हूँ चिकन।
तो गाइस डिनर वगैरह मैंने कर लिया है, और अभी क्या है ना, यहाँ पे कुछ जानवर घूम रहा था इधर से उधर, भाग रहा था, तो अभी मैंने टॉर्च मारी तो उस तरह की तरफ भागा है। तो अभी दोबारा टॉर्च मार के दिखाता हूँ आपको, मोबाइल से दिखाऊंगा क्योंकि गोप्रो में तो दिखेगा नहीं, मोबाइल से दिखाता हूँ। और उधर की तरफ दूर गाँव की तरफ वहाँ कोई जानवर आया है, तो वहाँ से बहुत ज़ोर से अभी फायर हुआ है, तो कोई हाथी घुस गया है या कुछ, क्योंकि कुछ साल पहले यहाँ पे ना कुछ लोगों को हाथियों ने दबा दिया था, यहीं कुचल दिया था। तो गाइस सारा सामान सेट करना पड़ेगा, ये देखो ऐसे बिखरा पड़ा है इधर, पूरा सामान मैंने फैला दिया, आज अकेले आया हूँ कैंपिंग में, तो मैंने सारा का सारा फैला के रख दिया। बस अब अकेले आने का जो खतरा है ना वो ना हो, बस डर लग रहा है मुझे फिलहाल तो, लेकिन देखते हैं क्या होता है भाई। तो गाइस शूज़ मेरे देखो यहाँ पे आ गए, तो ये शू कंपार्टमेंट भी बन गया, अब तो अब चेन भी बंद कर देता हूँ पूरी। तो भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कैंपिंग में भी, तो फिलहाल प्रेस कर दो। ये चेक करो गाइस, रात के 12:30 हो रहे हैं और बाहर ना आवाज आ रही थी बहुत ही तेज तेज, बहुत आवाज आ रही थी, और अभी पता नहीं। तो भाई यार बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, सुन रहे हो आप, सुन रहे हो? शिट लगा के चेक करता हूँ, टॉर्च है मेरे पास, कुछ तो था उधर, वो देखो 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 वो देखो कुछ जा रहा है, वहां जा रहा है वो, कुछ जा रहा है वहां पे, कुछ जानवर है, देखो 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 आंखें चमक रही है, वो देखो 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 गाइस उधर से भी आवाज आ रही है, इस तरफ भी हो सकता है कुछ गाइस, यहाँ देखो 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 चेक करो चेक करो चेक करो, वो देखो 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 आंखें चमक रही है उसकी, वो देखो गाइस उधर पे भाग रहा हो, वो देखो गाइस। तो भाई रात के 2 बजे इतनी तेज बारिश होने लग गई है, अब मेरे समझ नहीं आ रहा सुबह मैं घर कैसे जाऊंगा भाई, इतनी तेज बारिश होगी और बगल में नदी है, अगर नदी में आ गई तेज पानी तो क्या होगा भाई, बिल्कुल नदी के किनारे मैंने टेंट लगाया हुआ है, और भाई ऐसी जगहों में जमीन तक बह जाती है। तो दोस्तों पानी टेंट के अंदर की तरफ रिस रहा है, वाष्प बन के भाप बन के अंदर आ रहा है, बारिश हो रही लगातार काफ़ी तेज यार आज, तो भाई काफ़ी तेज हवा चल रही है जिसकी वजह से पर्दा ना इधर की तरफ खिसक गया है, और बारिश का पानी देखो पूरा इधर बह रहा है, और आज नालियाँ भी नहीं खोदी हैं तो पानी कहीं टेंट के नीचे से रिसता हुआ ना आ जाए अंदर। तो भाई सुबह के बज चुके हैं 4, तो अभी बचाओ दूध है हमारे पास, तो चाय बना लेते हैं फटाफट से।
भैया बन चुकी है हमारी चाय सुबह की 4 बजे। तो दोस्तों मौसम बहुत खराब हो गया है, तो फटाफट यहाँ से निकलना पड़ेगा। सुबह के बज चुके हैं 4:18, तो निकल लेते हैं यहाँ से। भी बारिश थोड़ी सी रुकी हुई है, तो फटाफट सारा पैक करता हूँ क्योंकि यहाँ से काफ़ी दूर है यार। तो अगर करीबन 1 घंटे का भी गैप मिल गया तो उसमें मैं घर पहुँच जाऊँगा। अभी बड़ी मुश्किल से बारिश रुकी हुई है, तो करते हैं फटाफट से स्पीड में सारी पैकिंग। तो दोस्तों सारा सामान मैंने पैक कर लिया है, अभी भी हल्की हल्की हवा चल रही है यहाँ पे, तो देखो सारा सामान पैक कर लिया है। अब फटाफट से निकलता हूँ यहाँ से बाहर, सब कुछ पैक करता हूँ टेंट वेंट, क्योंकि बाहर बहुत अंधेरा है। तो अभी टेंट का पैकिंग वाला वीडियो तो कुछ दिखेगा नहीं अंधेरे में, तो फटाफट से पैक करता हूँ उसके बाद सीधे निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है थोड़ी देर बारिश रुके रहेगी, अदरवाइज़ मैं यहाँ फंसा रह जाऊँगा। तो दोस्तों पूरा टेंट मैंने डिसमेंटल कर दिया और इसकी सीट पूरी मैंने वहाँ रख दी है, और सुबह के 4:30 बज चुके। तो गाइस पूरा टेंट वेंट उठाने के बाद सारा एरिया पूरा साफ कर दिया, कुछ गंदगी वैसे भी फैलाई थी नहीं हमने, तो भाई मैंने सारा सामान से पैक कर दिया है। तो अब निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि अभी हल्की हल्की बूंदें भी गिरने स्टार्ट हो गई हैं, तो इससे पहले बारिश दोबारा स्टार्ट हो मुझे पहुँचना पड़ेगा वापस। फिलहाल दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके और लाइक ज़रूर कर देना। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट टूर में, जल्दी मेरा टूर स्टार्ट होने वाला है अप्रैल में, क्योंकि हम स्पीति वैली जाने वाले हैं। हम दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल पास पे जाने वाले हैं। जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।